सब्सक्राइब करें दंगल टीवी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। हमारा नेता कैसा हो? चल जा जैसा हो। 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 अनिल ठाकुर जिंदाबाद। 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 आज बहुत ही खुशी का माहौल है। आज शैलजा जी का हमारे एरिया के कॉर्पोरेटर का टिकट पक्का हुआ है। ये सब तुम्हारी वजह से पॉसिबल हुआ है। तुम्हारी मेहनत, लगन और प्यार की वजह से ही मुझे टिकट मिला है। मेहनत और लगन तुम्हारी, प्यार वाला क्रेडिट मैं ले सकती। अच्छा सुनो, अब तो मैं अपने काम में बहुत बिजी हो जाऊंगी तो तुम्हारा काम नहीं देख पाऊंगी। ऐसा करते हैं, एक पीए रख लेते हैं जो तुम्हारा काम मैनेज कर लेगा। शैलजा, तुम इन सब की चिंता मत करो, तुम ध्यान दो इलेक्शन की तैयारी पर। और रही बात पीए की, तो वो मैंने ढूंढ ली। अच्छा, वो कौन है? हेलो मैम। हेलो सर। अरे नो फॉर्मेलिटीज, ये बताया था ना, मैं विक्रम की मंगेतर। उसने कहा कि ये काम ढूंढ रही है तो इनको बुला लिया। विक्रम मेरा बहुत खास दोस्त है, तो तुम हमें नाम से बुला सकती हो। मनीत, शैलजा। हाँ मनीत एकदम सही कह रहा है, और तुमने तो मेरी टेंशन ही दूर कर दी मनीत का काम मैनेज करके। बिल्कुल शैलजा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं मनीत का अच्छे से ध्यान रखूं। मेरा मतलब है कि काम का। मनीत, मैं अब जाके ना फोटोशूट करवा लेती हूँ, वो पार्टी के लिए पोस्टर बनाने हैं ना। ठीक है सर। हम भी चले अंदर कैबिन में, बहुत सारे काम पेंडिंग पर हैं। हाँ निमिषा, तुम कुछ कह रही थी। पेंडिंग वर्क कंप्लीट करें। शैलजा साथ वाले रूम में। अच्छा, उसकी बहुत फिक्र है, और मेरा क्या? अगर तुम्हारी फिक्र नहीं होती तो इतना बड़ा रिस्क लेके तो मैं तुम्हें अपना पीए रखता। तुम्हारी इसी अदा पे तो मरती हूँ मैं। वैसे मानना पड़ेगा, गर्लफ्रेंड को बेवकूफ कैसे बनाते हैं कोई तुमसे सीखे। हाँ, नई वाली गर्लफ्रेंड के चक्कर में पुरानी वाली को धोखा नहीं दे सकते ना। अच्छा, ये मेरा स्पीच है, इसका प्रिंट ले लेना और मेरी फाइल में लगा देना। यस मनी, ये देखो ना, फोटोज कितनी अच्छी आई हैं। बोल, मैं अच्छी लग रही हूँ ना? अब तुम हो ही इतनी सुंदर तो फोटोज तो अच्छी आएंगी ना। ये अच्छी है। ठीक है, तो ये 3 फाइनल कर देते हैं। निमिषा, ये फोटोज ले लो और इनके पोस्टर बनने दे दो। आई एम सॉरी शैलजा, मैं ये काम नहीं कर सकती। मैं तुम्हारी पीए नहीं हूँ, मैं मनीत की पीए हूँ। क्या कहा तुमने? यही कि मैं मनीत की पीए हूँ, तुम्हारी नहीं। तुम्हारी इतनी औकात, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे काम को मना करोगी? यहाँ काम करती हो तुम,
निमिषा जैसा शैलजा कह रही है वैसा करो, ये लो और फोटोज का प्रिंट करवा देना। देखो अगर इसने मेरा काम नहीं किया ना तो ये यहाँ काम ही नहीं करेगी। करेगी, सब काम करेगी। निमिषा जैसा कहा ना शैलजा ने वैसा करो, तुम रिलैक्स करो। निमिषा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, क्या कर रही थी तुम और तुमने क्या किया? हाँ तुमको 10 मिनट पहले तक मैं ब्यूटीफुल लग रही थी और 10 मिनट बाद तुमको ये ब्यूटीफुल लग रही है। निमिषा ये मत भूलो वो मेरी फ्रेंड है, वो गर्लफ्रेंड जो इलेक्शन में खड़ी हो रही, और मैंने उसको टिकट दिलवाने के लिए ना बहुत पापड़ बेले, पर अगर वो मेरे हाथ से निकल गई ना तो बहुत नुकसान हो जाएगा और मैं किसी भी कीमत पे कोई भी नुकसान नहीं ले सकता। निमिषा तुम जानती हो ना कितनी मेहनत की है तुमको यहाँ एंट्री दिलवाने के लिए, अब हम कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते कि मुसीबत खड़ी हो जाए, हमें साथ रहना है। ठीक है मुझे कॉल करो बाद में। मानित, उसने उसने मेरे काम को मना किया? अरे होने वाली कॉर्पोरेटर के काम को मना किया, पीए है वो। शांत शैलजा शांत, इतना गुस्सा नहीं करते। सुनो वो मेरे दोस्त विक्रम की मंगेतर है, ये सब काम उसके लिए नया नया है, धीरे धीरे वो मंगेतर है तो काम काम होता है, वो नौकरी पर है। अगर सीट की बात नहीं होती ना तो मैं बताती उसे, एक बार ये इलेक्शन का काम हो जाए फिर मैं देख लूंगी उसे। ठीक है देख लेना, अभी गुस्सा शांत करो, तुम थोड़ा रिलैक्स करो। कितना गुस्सा करते हो, ऐसे करोगे तो ना चाहते हुए भी शांत होना पड़ेगा। मतलब तुमने मुझे टिकट दिलाने के लिए कितनी मेहनत की है, तो ट्रीट तो बनती है। शैलजा पराठों की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, ले आओ। हाय मनीत, अरे कैसा है? बढ़िया, आओ बैठो। हाय मनीत, हाय शैलजा, बैठो ना नाश्ता करो। बहुत सही टाइम आया तुम। मुझे पता होता शैलजा कि तुम भी यहाँ मिलोगी तो फूलों के साथ आता। अरे भाई टिकट मिला है, मुबारकबाद देने। थैंक यू, नाश्ता करो ना। वाओ, इसको भी कुछ खा दो। वैसे निमिषा शादी के बाद तुम्हें भी ऐसे पराठे बनाने पड़ेंगे। तुम्हारे लिए कुछ भी। आओ शैलजा, तो मुझे पता चला कल क्या हुआ। वो क्या है ना, इसमें आपकी थोड़ी कम है, कभी किसी के अंडर जॉब नहीं किया, एक्सपीरियंस लेने के लिए मनीत के पास भेजा था। मैं इसकी तरफ से आपको सॉरी बोलता हूँ। I'm sorry शैलजा। It's okay. Let's be friends. Thank you so much, Vikram. तुम्हें पता नहीं मैं कब से try कर रही थी कि मैं शैलजा से sorry बोलूं, but तुमने इस बात को और भी आसान कर दिया। Thank you so much. You're such a sweetheart, you know. मनीत, शैलजा, वैसे अब हम दोस्त के साथ साथ पड़ोसी भी हो गए हैं। यही पिछली गली में शिफ्ट हो गए हैं। मेरा काम यहाँ, इसका यहाँ, और इसी बहाने शैलजा भाभी के हाथ के पराठे खाने को मिल जाएंगे। अच्छा मुझे इतनी देर हो रही है तो मैं चलता हूँ। बाय। वेरी नाइस। बाय। मैंने थम भी चले, वो फॉर्म पर स्टैंप लगा के तुम्हारी साइन लेकर सबमिट करना है। ठीक है, मैं भी साथ में चलती हूँ। नहीं नहीं मिशा, तुम ऑटो में आ जाओ, एक्चुअली मुझे मनीत से कुछ जरूरी बात करनी है रास्ते में। चले
ये फॉर्म लेकर नहीं आया अभी, कहाँ रह गया? फोन भी नहीं उठा रहा। तुमने उसे फोन करके याद तो दिलाया था ना? अरे बिल्कुल दिमाग से निकल गया, मैं उसे अभी फोन करता। क्या भूल गए? दिमाग से निकल गया? याद है ना तुम्हें कि आज फॉर्म सबमिट करने की लास्ट डेट है। कॉल बैक करता हूँ मैं। लो आगे। कहाँ रह गए थे? लेकर आए हो फॉर्म? मैडम फॉर्म तो लाया, पर स्टैम्प में भूल गया एक्चुअली। इसलिए सर ने बोला था कि फोन करूंगा, पर उनका फोन ही नहीं है, इसलिए मैं भूल गया। तुम्हें तुम्हारा काम याद दिलाना पड़ेगा। अगर मनित तुम्हें फोन नहीं करेगा तो तुम अपना काम नहीं करोगे। हम तुम्हारे नौकर बैठे हैं। शैलजा इतना गुस्सा नहीं करते। क्या शैलजा शैलजा, सब लोगों को अच्छे से पता है कि आज फॉर्म सबमिट करने की लास्ट डेट है। सबके सब मेरे करियर से खेल रहे हैं। तुम ऑपोजिशन वाले से मिला हुआ है ना? शैलजा बोल, सच बोल, नहीं तो ऐसा क्यों मुझे पकड़ रहे हो? सच बोल। लो मनी, तुम साइन कर दो, मैं सबमिट कर दूंगी पेपर्स। थैंक्स। थक के घर पे आओ और तुम्हारी शक्ल देखने को मिल जाए तो सारी थकान दूर हो जाती है। क्या हुआ? सिंजा का फॉर्म मैंने सबमिट कर दिया। आगे क्या करना है? आगे का मैंने सब सोच लिया। पार्टी का टिकट तो मैं ही लेके रहूंगी, बाय हुक या बाय क्रॉक। देखो जो करो संभल के करना, शैलजा बच्ची नहीं है और अगर उसे तुम्हारे इरादे पता लग गए तो भगवान ही मालिक है। जब तक उसे पता चलेगा तब तक तो सब कुछ हो चुका होगा। तुम तो मेरी स्मार्ट जानू हो, बस इस सब में ये मत भूल जाना कि तुम मेरी मंगेतर हो। मनित को पटाते पटाते कहीं खुद उसे मत पड़ जाना। राम। अच्छा चलो मैं सोने जा रहा हूँ, चलते हैं। You go and sleep. मुझे कुछ प्लान करना है, तुम जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। निमिषा इस वक्त क्यों फोन कर रही हो? मैंने, I miss you. तुम प्लीज यहाँ पर आ जाओ ना। पागल हो गई हो क्या तुम? शैलजा यहाँ सो रही है, मैं कैसे आऊंगा? सो? विक्रम भी घर पर है, वो भी सो रहे हैं। तो मैं तुम्हारे लिए इतना बड़ा रिस्क ले सकती हूँ तो तुम यहाँ पर नहीं आ सकते हो? ठीक है मैं आता हूँ। मनीत कहाँ गया? मनीत, निमिषा के पास वो क्या करने आया?
अच्छा चलता हूँ। अच्छा काम खत्म और तुम चल दिए? शैलजा घर पे सो रही है, अगर वो उठ गई ना तो मुझे भूल जाओ। तुम क्यों उससे डरते हो क्या? निमिषा कितनी बार तुम्हें समझाया है, एक ही बारे में मुझे बहस करना पसंद नहीं है। वो कॉर्पोरेटर बनने वाली है और तुम्हारा कैरियर उसके साथ जुड़ा हुआ है। हाँ हाँ ओके। तो मैं तुमको ना एक सॉल्यूशन देती हूँ, तुम पार्टी का टिकट मुझे दे दो, मुझे बना दो कॉर्पोरेटर। क्या बकवास कर रही हो तुम? विक्रम अंदर सो रहे हैं, वॉल्यूम डाउन। तुम्हारा ना दिमाग खराब हो गया है, शैलजा ने पार्टी के लिए बहुत मेहनत की है, ये टिकट सिर्फ उसका ही है, और तुम ना ये फालतू के सपने देखना बंद करो। तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? मेरे मन में जो बात आई मैंने वो बोल दी बस। और वैसे भी शैलजा को तुमने पीए से अपनी गर्लफ्रेंड बनाया और अब वो कॉर्पोरेट, सो व्हाई नॉट मी? हाँ निशा, शैलजा ने पार्टी के लिए बहुत काम किया है, पार्टी वालों ने देखा है, सिर्फ वही बनेगी कॉर्पोरेट, समझी? समझ गए, लगता है अब आखिरी दाव खेलने का वक्त आ ही गया है। इस वक्त तुम निमिषा के घर क्या करने आए थे? वो विक्रम का फोन आया था, उसका निमिषा का कुछ झगड़ा हुआ था तो मुझे निमिषा को समझाने के लिए बुलाया था। हम चलते हैं, उनके झगड़े में लेट हो रहा है। राजनीति यानी राज करने की नीति बनाना, आजकल जिसे देखो वो सत्ता और राजनीति का दीवाना हुआ पड़ा है, लेकिन सत्ता चलाना कोई आसान काम नहीं है, उसके लिए राजनीति को समझना बहुत जरूरी है। ये एक ऐसा खेल है जो केवल अकेले खेला जाता है और अक्सर इस खेल में इंसान खुद गर्ज हो जाता है। निमिषा, शैलजा और मनित राजनीति का षड्यंत्र रच रहे थे, सत्ता की भूख इनसे नए नए खेल खिलवा रही थी, सत्ता की भूख नहीं निमिषा को खुदगर्ज और धोखेबाज बना दिया था। राजनीति का भूत इस कदर उसके सर पर सवार हो गया था कि उसे आगे कुछ नजर ही नहीं आ रहा था, यहां तक कि उसने राजनीति खेलकर मनित की भावनाओं को भी बदल दिया था। अब मनित शैलजा से सारे संबंध तोड़ना चाहता था। नमस्कार, मैं अमित पचौरी। क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड में हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक और सच्ची कहानी, रिश्तों में राजनीति की कहानी। क्या रिश्तों की डोर इतनी नाजुक होती है कि महज सत्ता के लिए तोड़ी जा सकती है? क्या निमिषा अपने नापाक इरादों में कामयाब हो पाएगी? क्या शैलजा मनित से मिल रहे धोखे के बारे में जान पाएगी? आइए देखते हैं। मेरा पति कहाँ है? क्या किया तूने उसके साथ? क्या किया तूने? उस दिन धमकी दी थी ना, जब वो स्टंप पर फॉर्म नहीं लाया था तू उसे मार डालेगी। क्या किया बता? गायब कर दिया ना। हा? क्या किया बता ना, बता बता। मुझे नहीं पता तुम्हारा पति कहाँ है, वो तो मैंने उसे गुस्से में कहा था। मार दिया इसने मेरे पति को, मार दिया। क्या हो रहा है सब? कौन है औरत शैलजा, तुम शोर मचा रही है। मैंने देखो ना, वो अपना पार्टी करके खाना, वो गायब हो गया, ये उसका दोष मुझ पे लगा रही है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। झूठ बोल रही है, इसने सब कुछ किया है। अरे तूने सब कुछ किया है। अरे पकड़ो इसे, तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं। बाहर निकालो बाहर। तूने ही गायब किया है, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। ठीक हो? ये मेरा पति खा गई। मनित, मैंने कुछ नहीं किया, वो औरत जानबूझ के मुझ पे इल्जाम लगा रही है, मैंने गायब भी नहीं किया किसी को। चल जाओ, उस औरत को रोकना होगा, वरना वो चिल्ला चिल्ला के पूरी दुनिया में तुम्हें बदनाम कर देगी, करियर खराब हो जाएगा तुम्हारा। मुझे बहुत घबराहट हो रही है, प्लीज कुछ करो ना, मैं अपना करियर बर्बाद होने देना नहीं चाहती। यस मैडम, हमारे पास आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट। क्या? आप ही के पार्टी के कार्यकर्ता गायब है, उसकी पत्नी ने आपके खिलाफ केस दर्ज कराया। इंस्पेक्टर आप जानते हैं आप कहां खड़े हैं, किसको अरेस्ट करने की बात कर रहे हैं? सर मुझे मैडम को गिरफ्तार करना होगा, वरना मुसीबत हो जाएगी, और आप तो जानते हैं कानून। सोनाली मैडम को ले चलो। मनित मैं आता हूं।
इस सप्ताह होगा नॉन स्टॉप क्लाइमैक्स। शाम 6 बजे रण विजय के चंगुल से अवधेश कैसे बचाएगा अपनी जान, ना कोई गवाह ना कोई सबूत, सीधा फैसला। शाम 6:30 बजे क्या खतरे में पड़ जाएगी कार्तिक की जिंदगी। करण वहाँ पानी में मत जा। शाम 7 बजे संतों की याद में क्या थम जाएंगी बाकी सांसें। संतोड़ी के घर पे भी अब कागज पहुंच गए होंगे, अब इस छुट्टा छड़ा को कोई नहीं रोक सकता। नानी। शाम 6 से 7:30 देखिए नॉन स्टॉप क्लाइमैक्स दंगल पर। प्लीज सर सुनिए तो सही, सर मेरी बात तो सुनिए। मैंने कुछ नहीं किया। सर मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज मेरी बात तो सुनिए। एलिजी बिल पेपर सोनाली। यस सर। मैडम को बाहर निकालो। मैं बहुत डर गई थी मनीत, थैंक यू। तुम ठीक हो ना? रोना बंद करो, मैं आ गया हूं ना। और अगर थैंक्स बोलना है ना तो निमिषा को बोलो। मेरा लॉयर शहर के बाहर था, किसी ने बेल पेपर्स अरेंज किए। थैंक यू निमिषा। उस औरत का कुछ करना होगा, वो तुम्हारा करियर बर्बाद करके रख देगी। मैंने कुछ नहीं किया, कुछ तो सोचो। तुम एमएलए हो, कोई तो रास्ता निकालो। शैलजा समझा करो, तुम अभी अभी उस औरत की वजह से जेल से होके वापस आई हो। एक आदमी गायब है, सीरियस केस है। अब तो सिर्फ वही औरत कुछ कर सकती है, उसको केस वापस लेना होगा। तुमको लगता है वो करेगी? करेगी। तुम सब मुझ पे छोड़ दो, तुम टेंशन मत लो, बस थोड़े से पैसों का इंतजाम कर दो। ठीक है। ये ले। और जो केस तूने शैलजा के खिलाफ किया है ना, उसे वापस ले लेना। ठीक है मैडम, जैसा आप कहें। मानना पड़ेगा, एक्टर तो है तू। हाँ साफ, पैसों के लिए तो मैं कुछ भी कर दूं, यहां तो सिर्फ एक्टिंग करनी है। चल अब तुम दोनों अंडरग्राउंड हो जाना, और जब तक हम ना बोले तुम वापस नहीं आओगे। सर ऐसा ही होगा, हम तब तक अपनी शक्ल नहीं दिखाएंगे जब तक आप नहीं बुलाओगे। चल चल। अब होगा मेरा प्लान कामयाब। अब मुझे पार्टी में आने से कोई भी नहीं रोक सकता। और अब तो तुम्हें नेता मैम करके बुलाना पड़ेगा। एक बार फिर बोलो ना, तुम्हारी मुझसे बहुत अच्छा लगता है। नेता मैम। पर सुनो, लड़ाई अभी आधी पूरी हुई है, आधी अभी बाकी है।
बस ध्यान रहे कि किसी को तुम पे शक नहीं होना चाहिए। डोंट वरी, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। कभी कभी तो तुम मुझे अपने शैतानी दिमाग से भी हैरान कर देती हो। बहुत खतरनाक हो तुम। पता है, और ये भी जानती हूँ कि तुम्हें खतरनाक बिल्लियों से खेलने का बहुत शौक है। हेलो। जी सर। हाँ लेकिन सर मैं ठीक है सर। जी क्या हुआ, किसका फोन था? वो मिनिस्टर सर का फोन था। क्या बोल रहे हैं? उनका कहना है कि वो तुम्हें पार्टी का टिकट नहीं दे सकते। लेकिन क्यों? मिनिस्टर सर को लगता है तुम्हारी वजह से पार्टी का इंप्रेशन खराब हो गया है, और अगर तुमको टिकट दी तो पार्टी को नुकसान होगा। माने तुम्हारा काम हो गया है, वो औरत केस वापस लेने के लिए रेडी हो गई है। ठीक। क्या हुआ, तुम दोनों खुश नहीं लग रही? हाँ मिनिस्टर सर का फोन आया था, वो शैलजा को टिकट नहीं दे सकते इसीलिए थोड़ा मूड खराब है। मैं तुम दोनों से बाद में मिलता हूँ। शैलजा। सर मेरी बात तो सुनिए, मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत की है सर, प्लीज एक चांस दीजिए ना। शैलजा समझा करो, ये नहीं हो सकता, और वैसे भी हमने दूसरा कैंडिडेट चुन लिया है, वो भी मनित ने सजेस्ट किया है। क्या सर, मनित ने किसको चुना है? हेलो 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 सर, हेलो मनित ने किसको चुना है? फोन क्यों नहीं उठा रहा? मनित फोन उठाओ। ओ बेबी, आखिरकार तुमने मुझे कॉर्पोरेटर बना ही दिया। आई लव यू। दिया मुझे, इतना प्यार किया ना मैंने तुमसे, हर चीज में तुम्हारा साथ दिया, पर तुम मेरी पीठ पीछे। अरे क्या कर रही है, पागल हो गई क्या? बोलो क्यों किया मेरे साथ ऐसा? जानबूझ के किया ना, इतना बड़ा गेम, मेरा सारा करियर चौपट कर दिया। क्यों किया ऐसा, क्यों किया मैंने ऐसा, बोलो ना। जवाब मिल गया ना, चल निकल अब यहां से। तू चुप कर, मेरे सामने फालतू की बकवास करने की जरूरत नहीं है, ये ऑफिस मेरा है समझी, निकल यहां से। अरे चल निकल यहां से, अब मेरी मंगेतर कॉर्पोरेटर है। चल 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 निकल 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 निकल। कांग्रेचुलेशन। दूर रह के बात करो, ऐसे घूर के क्या देख रहे हो मुझे? निकलो आउट। मुझे जाने के लिए कह रही हो? मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, मैं यहाँ तक लेकर आया हूँ। ये इमोशनल फालतू ड्रामा ना मेरे सामने मत करना समझे, कहीं और जाके करना तुम। और क्या कह रहे हो,
कि तुम मुझे यहाँ पर लेकर आई हो। हाँ, तुम मुझे लेकर आए। मैं अपने दम पर यहाँ पर आई। अब तुम्हारा काम खत्म, यू नो योर रोल इज ओवर। और आइंदा से मेरे आसपास पटकने की कोशिश भी की ना, तो अभी तो सिर्फ मुंह से धमकी दे रही, आगे से वो भी नहीं दूंगी। आउट। अनिल, आप कौन भाई साहब? मैं आपको जानता हूं क्या? अब डट कर होगा डर से सामना। हम आपकी धमकियों से डरने नहीं वाले, पूरी दुनिया को बताएंगे आपके इसलिए। हर जुर्म के खिलाफ उठेगी आवाज। शुरू हो गई है अपराध से पहले देश को अलर्ट करने की एक नई मुहिम। अब सप्ताह के सातों दिन देखिए जुर्म से अलर्ट करती सात नई कहानियां। गलत मंसूबों का अंजाम बर्बादी ही होता। क्राइम अलर्ट सोमवार से रविवार रात 10 बजे दंगल पर। बताया था ना मैं विक्रम की मंगेतर, उसने कहा कि ये काम ढूंढ रही है तो इनको बुला लिया। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं मनित का अच्छे से ध्यान रखूंगी। Let's be friends. इस वक्त तुम निमिषा के घर क्या करने आए थे? वो विक्रम का फोन आया था, उसका निमिषा का कुछ झगड़ा हुआ था तो मुझे निमिषा को समझाने के लिए बुलाया था। मेरे सामने फालतू की बकवास करने की जरूरत नहीं है, ये ऑफिस मेरा है, समझी? निकल यहां से। तुम पे जो गुजर रही है मैं उसे समझ सकता हूं और इसमें मैं भी जिम्मेदार हूं, पर वो कहते हैं ना जब खुद पर पड़ती है तभी समझ आता है, इसलिए शायद आज मैं यहां आया हूं। उन दोनों के बीच काफी पहले से यह सब चल रहा था, मुझे लगा निमिषा पार्टी में आने के लिए यह सब कर रही है, पर मैं गलत था। जैसे उसे टिकट मिला आज उसने मुझे अपनी जिंदगी से ऐसे निकाल दिया जैसे मनित ने तुम्हें। मैंने सच में मनित को बहुत प्यार किया था, लेकिन उसने सिर्फ मेरा यूज किया अपने मतलब के लिए। उसने मेरा प्यार, मेरा करियर सब खत्म कर दिया, लेकिन मैं मनित को छोड़ूंगी नहीं और ना ही उस निमिषा को। मैं तुम्हारे साथ हूं। आपने बुलाया मैडम? देख राखी, तूने पार्टी में मेरे लिए बहुत काम किया है, बहुत साथ दिया है तूने अब तक मेरा, और मैं तेरे अलावा किसी और पे भरोसा कर नहीं सकती, तो जैसा जैसा बोलती जाती हूँ वैसा वैसा करती रहे। पर करना क्या है? मनित निमिषा तैयार हो जाओ, तुमने जो मेरे साथ किया मैं अब वही तुम दोनों के साथ करूंगी। एक सेकंड को यार, मैं देखती हूँ। क्या हुआ? विक्टर, यही है वो, यही है जिसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। आपको मेरे साथ थाना चलना होगा, इन्होंने आप पर आरोप लगाया है कि आपने इनके साथ जबरदस्ती की है। सर बकवास कर रही है, झूठ बोल रही है। कौन है ये? झूठ ये बोल रहे हैं।
मैं इनके पास पार्टी के काम से गई। मैंने कहा मेरे काम करवाइए। इन्होंने कहा तुम्हारा काम जब ही होगा जब तुम मेरे साथ, और जब मैंने मना कर दिया तो इन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। सॉरी मणि, आपको मेरे साथ चलना होगा। चलिए ले चलो इन्हें। सर अब मनित को कहाँ लेके जा? मैडम सर ये लड़की झूठ बोल रही है। बोल तुझे किसने बोला तुझे ये सब कर? उन लोग किसने बोले? सर आप मेरी बात समझिए, लड़की झूठ बोल रही है, ये मनित को बता रही है ये। सर मनित 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 निमिषा, ओ नहीं कॉर्पोरेटर साहिबा, क्यों क्या हुआ? मनित गया? जो तूने मेरे साथ किया ना वही मैंने तेरे साथ किया। मुझे बिना किसी जुर्म के अंदर करा दिया, मेरा करियर खत्म कर दिया, वही मैंने तुम लोगों के साथ किया, करा दिया मनित को अंदर। अब रेप केस सॉल्व हो या ना हो लेकिन जेल जाने का कलम तो लग ही गया ना। अरे इसे लगता था ये बहुत बड़ी तोप है। निमिषा मैडम तुझे क्या लगा तू मेरी जगह ले लेगी? लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। ओ, नहीं कॉर्पोरेटर साहिबा, क्यों क्या हुआ? मनित गया? जो तूने मेरे साथ किया ना वही मैंने तेरे साथ किया। मुझे बिना किसी जुर्म के अंदर करा दिया, मेरा करियर खत्म कर दिया, वही मैंने तुम लोगों के साथ किया, करा दिया मनित को अंदर। जब तुम लोगों ने मेरे घर में एंट्री ली थी ना मैं तभी समझ गई थी जो खेल तुम लोग मेरे साथ खेल रहे हो ना वो मैं खेल खेल के ना छोड़ चुकी हूँ। मैंने तभी ये रिकॉर्डर ऑन कर दिया था। तुम लोगों को पुलिस से कोई भी नहीं बचा सकता। जस्ट वेट एंड वॉच। विक्रम मेरा हाथ छोड़ो। सृजना मेरा हाथ छोड़ो। मुझे तुम लोग अब गए तुमको ना कोई भी नहीं बचा सकता। तुम लोग सड़ोगे जेल की सराखों के पीछे। अच्छा? मेरा हाथ छोड़ो। निमिषा छोड़ो। मर गई? अच्छा है मर गई। वैसे भी इसे जीने का कोई हक नहीं। और फोन में से ऑडियो जल्दी डिलीट करो। इसकी लाश को तो हम लोग ठिकाने लगा ही देंगे, बस रात का इंतजार करना पड़ेगा। ये गायब है ये तो पता चल जाएगा ना, बात छुपेगी थोड़ी। अरे उसका सब इंतजाम मैंने सोच लिया है। परिवार की खुशियों की खातिर मुरली और भारती ने शुरू किया शिमला का सफर। लेकिन हमारे देश में बाल विवाह गैर कानूनी है। आप जितना छोटा हमें समझ रहे हैं उतना है नहीं, हमारा घर छोटा है। क्या भारती कर पाएगी मुरली को इस कैद से रिहा? बाबा ऐसो वर ढूंढो सोमवार से रविवार रात 9 बजे दंगल पर। काफी रात हो गई है, लाश ठिकाने लगानी होगी। जल्दी इसका ब्रेसलेट निकालो। हेलो, हाँ तुम अभी मुझे काली पहाड़ी की रोड पे आके मिलो, जल्दी आओ। चले
क्या हुआ मैडम, इतना अर्जेंट क्यों बुलाया? हम किसी दूसरे को अपने कर्मों का दोषी नहीं मान सकते। जिस प्रकार शैलजा ने निमिषा को अपनी किस्मत का दोषी मान लिया था, उसने निमिषा से बदला लेने के जुनून में एक मासूम की हत्या कर दी थी और जाल ऐसा बिछाया था जिसमें निमिषा आसानी से फंस जाए। शैलजा के सर पर राजनीति का भूत इस कदर सवार था कि जिसके चलते उसने दो दो हत्याओं को अंजाम दे दिया था। उसने एक बार भी नहीं सोचा कि उसका राजनीतिक भविष्य अंधकार में पड़ सकता है। उसने बड़े शातिराना तरीके से राजनीति खेलकर मनीष से अपना बदला भी ले लिया और निमिषा को मौत के घाट भी उतार दिया। क्या शैलजा के अधूरे सपने पूरे हो पाएंगे? क्या उसे अपनी पहचान वापस मिलेगी? आइए देखते हैं। आप यहाँ? आप लोग इस ब्रेसलेट को पहचानते हैं? देखिए सर, ये तो निमिषा का है, मैंने उसे गिफ्ट किया था। आपको कहाँ से मिला? लेकिन निमिषा का है, हम लोग उसके घर पर गए, वो तो वहाँ से फरार है। सर मैं उसे कॉल कर करके थक चुका हूँ, उसका फोन ऑफ है। हुआ क्या है सर? जिस औरत ने मनीत पर रेप का आरोप लगाया था, निमिषा ने उसका मर्डर कर दिया है। क्या? क्या? हमें उसकी तलाश। इस सप्ताह शनिदेव करेंगे न्याय। अपने पिता के जीवन के लिए मैं मृत्यु तो क्या भगवान से भी लड़ जाऊंगा। अब शनि के न्याय का चक्र घूमेगा, पापियों को मिलेगा उनके कर्मों का दंड और भक्तों को मिलेगा उनकी भक्ति का फल। जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा। देखिए शनिदेव का न्याय चक्र, महिमा शनिदेव की, सोमवार से रविवार रात 8 बजे दंगल पर। मैंने आपका जमानत तो करवा दिया है, अगले हफ्ते आपको पुलिस स्टेशन जाना होगा। मेरा सारा करियर खत्म हो गया, बर्बाद हो गए हम। छी 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 छी, लड़के होके रो रहे हो, वो भी पॉलिटिशियन होकर। क्या हुआ, मुझे देखकर खुश नहीं हुए? हाँ वो 2-3 दिन तुम यहाँ थे नहीं ना, जेल में थे, तो इतने में तो सब कुछ चेंज हो गया। देखना चाहोगे क्या चेंज हुआ? आओ फिर। इस आदमी के मर्डर का इल्जाम लगा था मुझ पर, लेकिन ये तो यहाँ जिंदा खड़ा है। मनीत और निमिषा दोनों ने मिलकर प्लान किया था ताकि निमिषा को मेरी सीट मिल जाए। बताओ इन्हें, बोलो। ये सच है, निमिषा मैडम ने हमें पैसे दिए थे। अरे ये कहां से आ गया, निकालो इसे। ए! कोई भी आगे मत बढ़ना,
एक भी कदम कोई आगे आया है ना? ये मेरा ऑफिस है, ये सब मेरा है, मेरी कुर्सी। जब बहुत मेहनत से कमाया मैंने ये सब, इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा मैं। मनित ये क्या कर रहे हो? लेक्चर नहीं चाहिए मुझे तेरा, मेरे सर पे खून सवार है। मुझे ये बता, रेप किसने किया था? रेप हुआ था या तूने भेजा था उसको? बोल, बोल। तुमने कुछ नहीं किया, सब मैंने करवाया था। अब ये बता कि निमिषा कहाँ है? पता नहीं। देख, मैं सारी की सारी गोलियां तेरे को मार दूंगा, मुझे बता वो कहाँ है, बता ना। मार दिया उसे और उस औरत को भी, ताकि निमिषा पर इल्जाम लगे कि वो औरत को मार के भाग गई। सुना आप सबने, देख लिया ना? जब मैंने तेरे लिए क्या कुछ नहीं किया, बदले में तूने क्या किया? हटिए 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 आप लोग, हटिए हटिए, गन लाइए लाइए गन, गिरफ्तार करो सबको, ले चलो, चलिए चलिए। राजनीति ने बड़ी से बड़ी जंग रुकवाई है और बड़ी से बड़ी जंग करवाई है। ये तो केवल राजनीति के प्यादे थे। निमिषा, शैलजा और मनित को समझदारी से काम लेते हुए राजनीति में अपनी पहचान बनानी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने अपने साथ ही राजनीति खेलना शुरू कर दिया और अंजाम राजनीति उन्हें ले डूबी, जिसके चलते निमिषा को अपनी जान से हाथ धोने पड़े। शैलजा पूरी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे है और मनित, उसके पास सब कुछ था लेकिन अब कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसने पावर का गलत इस्तेमाल किया और पावर ने उसका हमेशा के लिए साथ छोड़ दिया। एक आदमी की गलती की वजह से पूरी पार्टी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। अगर एक मछली गंदी है तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरा तालाब गंदा है। इसी के साथ मैं अमित पचौरी क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड में विदा लेता हूं आपसे। फिर मुलाकात होगी एक सच्ची कहानी के साथ। तब तक याद रखिएगा, क्राइम से बचना है तो अलर्ट रहना होगा। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।